भारत में कोरोना वायरस का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। देश में कोरोना वायरस संक्रमितों की संख्या बढ़कर 1000 के पार चली गई है। वहीं महाराष्ट्र में कोरोना वायरस का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। आज मुंबई में एक कोरोना पॉजिटिव की मौत हो गई। मृतक 40 साल की महिला है, जिसे MCGM हॉस्पिटल में दाखिल करवाया गया था। इसी के साथ देश में मृतकों की संख्या का आंकड़ा 30 हो गया है। दूसरी तरफ मरीजों की संख्या लगातार तेजी से बढ़ रही है, जिसके चलते एक ही दिन में देश में सबसे ज्यादा 200 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 88 कोरोना पॉजिटिव लोगों की रिपोर्ट निगेटिव आई है। उधर लॉकडाउन का आज 5वां दिन है, लेकिन देश के कई हिस्सों में मजदूरों का पलायन चिंता का सबब बन गया है। मजदूर पैदल ही अपने परिवार के साथ गृह राज्य लौट रहे हैं। बता दें कि लोग जहां तहां फंसे हैं, जिनकी मदद में राज्य सरकारें उतरी हैं और उन्हें उनके गंतव्य तक भेजा जा रहा है। लॉकडाउन के दौरान सबसे ज्यादा परेशानी हो रही है बुजुर्गों को, जिनके अपने दूर हैं और उनके लिए जरूरत का सामान जुटाना भी मुश्किल हो रहा है। हालांकि महाराष्ट्र और केरल कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। इन दोनों राज्यों में हालात बिगड़ते जा रहे हैं। वहीं मेरठ में एक ही घर के 5 सदस्य कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इस परिवार का एक शख्स महाराष्ट्र के अमरावती से लौटा था। उसके अलावा घर के 4 लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई है। इसके अलावा टेकनपुर में एक BSF अधिकारी के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद 50 BSF जवानों को भी एकांतवास में रखा गया है।